नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज मेरा मूड बहुत ज़्यादा अच्छा है। सुबह सुबह मुझे एक बहुत ही प्यारी सी गुड न्यूज़ मिली है। मैंने सोचा इस ब्लॉग की शुरुआत हम गुड न्यूज़ के साथ ही करेंगे। अभी यार हर तरफ कोरोना का कहर छाया हुआ है, सब लोग कोरोना से डरे बैठे हैं। और जहाँ पे भी आप देखो ना कोई इस साल ना नेगेटिव न्यूज़ ही सुनने को मिल रही है। पॉजिटिव न्यूज़ हार्डली कोई सुनते हैं हम लोग। और ऐसे में कोई भी एक अच्छी सी न्यूज़ मिल जाती है ना, तो मूड अपने आप अपलिफ्ट हो जाता है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ गुड न्यूज़ क्या है। रिसेंटली आपको पता है कि मेरी पूरी फैमिली को कोविड हुआ था। बाय गॉड्स ग्रेस सभी लोग रिकवर कर गए, होम क्वारंटीन करके ही सब लोग अभी हेल्दी हैं। तो ऐसे पता तो चलता ही है कि इन लोगों को कोविड हो चुका है। भैया के कलीग के फादर को रिसेंटली कोविड हुआ एंड उनका 65 इयर्स एज है। और अभी इतने ज़्यादा एज पे तो आप समझ सकते हो कि हो जाती है सिचुएशंस क्रिटिकल, क्योंकि ऑब्वियसली प्री कंडीशंस भी होते ही हैं एज के साथ साथ। तो उनके कलीग ने भैया को रिक्वेस्ट किया कि अगर आप अपना प्लाज्मा डोनेट कर दो। दिल्ली में एक वसंत कुंज में हॉस्पिटल है जिसको प्लाज्मा डोनेशन सेंटर बनाया गया है। तो भैया ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया, बिकॉज एक बार आपको ऐसा वायरस हो जाता है ना तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं। अभी ये नहीं पता कि कितने दिन के लिए वो एंटीबॉडीज़ डेवलप होती हैं, क्योंकि न्यूज़ में आ रहा है कि ये वायरस जो है वो रेकरिंग है, फिर से हो रहा है जिनको हो चुका है पहले। बट दैट इज़ अ सेपरेट चैप्टर, वो होगा तो जब देखा जाएगा। बट अभी क्या है कि भैया ने अपनी एंटीबॉडीज़ जिसे प्लाज्मा बोल रहे हैं वो डोनेट किया, और वो भैया के कलीग के फादर को मिला, जिससे उनकी काफ़ी पोजीशन अब बेटर हो गई है। सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल था बट नाउ ही इज़ आउट ऑफ डेंजर एंड ही इज़ रिकवरिंग वेल। भैया ने पूरा वो चैट अपने कलीग का स्क्रीनशॉट करके ग्रुप पे भेजा था, हमारी फैमिली ग्रुप पे। इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि यार इट्स नेगेटिविटी में भी है कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक बैठा है जो हम सबको देख रहा है। जैसे होता है ना सिक्के के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों ही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। बट अगर आप पॉजिटिविटी देखो तो इस सिचुएशन में भी बहुत पॉजिटिविटी है। तो यार हम लोग इस न्यूज़ से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बट कहीं ना एज अ ह्यूमन बीइंग ऐसी न्यूज़ सुन के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलो इसी अच्छी न्यूज़ के साथ कुछ बनाते हैं किचन में। सबसे पहले तो फ्रूट्स कट करके दूंगी, अभी मिड मॉर्निंग मैंने स्नैक दिया नहीं है किसी को भी। एप्पल और पियर है, और गोविंद को ग्रेप्स दूंगी क्योंकि उसने सुबह ही बोला था मम्मा मुझे ग्रेप्स खाने हैं, आ जाओ। आज मैं गई थी सुबह लाइब्रेरी, गोविंद के लिए कुछ न्यू बुक्स लेकर आई हूँ लाइब्रेरी से। एक रूटीन सेटअप किया हुआ है कि ट्यूसडे वेंसडे में से एक दिन जाना है, कुछ न्यू बुक्स लेकर आनी है। ज़्यादा नहीं, 5-6 बुक्स लेकर आती हूँ, और वीक में हम उसको रीड एंड रीकैप करते रहते हैं। तो बच्चों की ना वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाती है अगर आप उनके लिए रेपिटेडली बुक्स पढ़ते हैं। पहले ना मैं रीडिंग सेक्शन में से ऐसे ही बुक्स उठाकर ले आती थी विदाउट नोइंग कि क्या लेवल है बुक का। मुझे नहीं पता था ऐसे बुक्स का लेवल होता है। बट देन जब घर आके पढ़ाती थी ना, कुछ वर्ड्स उसमें बहुत टिपिकल लगते थे। देन आई फिगर्ड आउट कि बुक्स पे ना उसका लेवल लिखा रहता है, और लेवल मैच करके आप लेकर आओ तो फिर आपके बच्चे के एज के अकॉर्डिंग बुक्स आएंगी। देखो इस पे जैसे लिखा है माय फर्स्ट रीडिंग, आप बुक के पीछे देखेंगे ना तो ये देखो माय फर्स्ट रीडिंग इज गुड फॉर इमर्जेंट रीडर्स, ऐसे लेवल 1 लेवल 2। आप हायर लेवल पे जैसे जैसे बच्चे ग्रेड में जाते हैं ऐसे ऐसे बुक्स का लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाता है। ये लेवल 1 की है तो इट इज़ आइडियल फॉर थोड़े से बड़े किड्स के लिए, बट हमने ये ले ली क्योंकि एनीवेज अभी तो मैं ही रीड करती हूँ इसके लिए। एक ये द किंग ऑफ किंडरगार्डन लेकर आई हूँ मैं, एक ये जस्ट लाइक ऑलवेज, ये वाली बुक बहुत अच्छी है, उसने एक बार रीड कर ली है। आई एम नॉट अ माउस, वी आर ब्रदर्स, हियर कम्स अ ट्रेन दैट्स फास्ट एंड न्यू। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को फन Q&A के लिए क्वेश्चंस छोड़ने बोला था, बहुत सारे लोगों ने शायद उतना एंड तक वीडियो देखा नहीं होगा। तो प्लीज़ यार दोस्तों आपके क्वेश्चंस का इंतज़ार रहेगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। फन क्वेश्चंस छोड़ना जिससे कि वीडियो बनाते वक्त मैं भी हंसूं और देखते वक्त आप भी हंस हंस के लोटपोट हो जाओ। अभी आज लंच में काफ़ी सारी प्रेपरेशन हो चुकी है। लंच में सांभर वाली दाल बनाऊंगी, उसके लिए सारी चॉपिंग कर ली है, और ये स्टफ्ड कैप्सिकम बनाने वाली हूँ। तो मैंने इसका बीज वाला पार्ट ना रिमूव कर लिया है, और इस वाले कुकर में मेरी दाल और लौकी ऑलरेडी बॉईल हो चुकी है। आज मुझे अपना गरम मसाला भी बनाना है, और मैं ना ये स्वाद ब्रांड का होल गरम मसाला लेकर आती हूँ। इसमें सारे खड़े मसाले मिक्स्ड रहते हैं, मतलब अलग अलग आपको सारे स्पाइसेस इकट्ठे करके गरम मसाला बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये पैकेट बस खोलो, थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करती हूँ और पीस के रख लेती हूँ बस मैं।
शिमला मिर्च के लिए ना आलू की फिलिंग थोड़ी सी मैं चटपटी बनाने वाली हूँ, इसके लिए मैंने ये खड़े मसाले थोड़े से रोस्ट कर लिए और इनको दरदरा सा कूट लिया। फ्रेश मसालों का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, साथ में मैं थोड़ा सा चीज भी ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करूंगी और अमचूर पाउडर। कैप्सिकम को मैंने अच्छे से फिल कर लिया है, इसे मैं बेक करने वाली हूँ। थोड़ा सा बेकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ, ये एवोकाडो ऑयल स्प्रे है, ये बहुत अच्छा रहता है बेकिंग के लिए, बस थोड़ा सा स्प्रे किया है। अवन को मैंने 420 डिग्री फ़ारेनहाइट पे प्री हीट करने लगा दिया है। ये हमारा यमी यमी लंच रेडी है। मैंने शिमला मिर्च को ना अराउंड 25 मिनट्स के लिए बेक किया है 430 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। स्टिल मुझे लग रहा है 5-7 मिनट और लगते हैं इसमें, बट अभी वेट नहीं हो रहा, बहुत तेज़ भूख लग रही थी, मैंने निकाल दिया इसको। गैस पे जल्दी बन जाती है, 10-15 मिनट्स में रेडी हो जाती है गैस पे। तो ये सांभर वाली दाल है और मैंने रागी फ्लावर मिक्स करके रोटी बनाई है, घी लगा के खाएंगे, बहुत टेस्टी लगती है ये, हेल्दी भी होती है। Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. मेरा ये दूसरा वाला चॉपिंग बोर्ड भी रेडी हो गया। इसमें ना थोड़ा सा पैची वर्क हो गया, सबसे पहले तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, मैं टुगेदर फॉर एवर लिख रही थी, स्पेस कम बची, बट फिर थोड़ा कुछ जुगाड़ कर दिया यहाँ पे। और एक और गलती हो गई, पॉज करो वीडियो, गेस करो। चलो मैं बताती हूँ, लव इज़ द मेन इंग्रेडिएंट होना चाहिए था, या तो कोट यहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए थी, या फिर लव इज़ द मेन इंग्रेडिएंट यूज्ड हेयर होना चाहिए था। लिखने के बाद मुझे लगा कि इंग्रेडिएंट थोड़ा ना कुक होता है, बट ठीक है, अब जब कभी फिर टाइम मिलेगा तो इसको ठीक कर लेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए ये अच्छा लग रहा है। और लास्ट टाइम मैंने ये चॉक मार्कर सिखाए थे ना, उसके बाद काफ़ी लोग इसका पूछ रहे थे, अमेज़ॉन से लिए थे, ये क्राफ्टी क्राउन के हैं, ये कलरफुल मार्कर्स हैं सारे, और ये वाइट मार्कर्स भी आई गेस सेम ब्रांड के ही हैं। यस, क्राफ्टी क्राउन के वाइट मार्कर्स हैं ये। तो ये हो गया, और बताइएगा कमेंट्स में कैसा लग रहा है आपको ये वाला बोर्ड। अब बताइएगा आपको इसका फाइनल लुक कैसा लगा। मैंने एक्चुअली इसको ऐसे ही प्लान किया था, द किचन इज द हार्ट ऑफ होम, लव इज द मेन इंग्रेडिएंट यूज्ड हेयर होना चाहिए था, बट चलो अभी कुक्ड हेयर, तो इंग्रेडिएंट भी हम अपनी किचन में ही कुक करते हैं, तो अभी ठीक है, ऐसा क्या लग रहा है ये। और ये जो हमने ब्रिज बनाया था ना, इस पे लाइट्स लगी हुई है, इसी का ही वायर हमने इसके अराउंड भी थोड़ा सा टेप कर दिया है, तो ये ओवरऑल बहुत ही क्यूट सा लग रहा है, थोड़ा पास से दिखाती हूँ। मेरी किचन का सारा ऑर्गेनाइजेशन और डेकोर जो मुझे करना था ना, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इस लास्ट वाले बोर्ड का मैं वेट कर रही थी कि ये और फिनिश हो जाए, उसके बाद फिर मैं डिटेल्ड एक बार टूर कराऊंगी अपनी किचन का। तो आई एम ऑल सेट, गियर्ड अप, देखते हैं कब बना पाती हूँ वो वीडियो, एज सून एज पॉसिबल बनाऊंगी वैसे तो। और मेरे पीछे रखा है ये गरम मसाला, एक्चुअली मैंने दिन में ही लंच के टाइम पे ही ना इसको रोस्ट करके रख लिया था, ठंडा हो गया, अभी पीसूंगी इसको एक बारी में, ये मैं सारा ग्राइंड करके साथ में एक ग्लास जार में रख लेती हूँ, उसके बाद फिर ये काफ़ी टाइम तक चलता है। और आज पता है जब मैं लंच बना रही थी ना, तो मेरा लंच अच्छा नहीं बना, आज मेरी दाल भी बहुत ही ख़राब टेस्टलेस टाइप बनी थी, पता नहीं कोई तो मसाला इसमें कम था या कुछ था, अच्छा नहीं बना था, आई डोंट नो व्हाई। और जो शिमला मिर्च बनाई थी वो भी थोड़ी सी, उसका जो आउटर शेल रहता है वो थोड़ा सा कम कुक हुआ था। कभी कभी होता है ना यार, कुकिंग में ऐसा हो जाता है कि कुछ कुछ हो जाता है। ये दाल फिर से मैं तड़का लगाऊंगी शाम को, हाल फिलहाल आज किसी ने ना मन करके खाना नहीं खाया, तो सोच रही हूँ कुछ अच्छा बनाती हूँ। थोड़े मखाने रोस्ट कर रही हूँ, इवनिंग स्नैक्स में मखाने हो जाएंगे, और साथ में कच्ची हल्दी वाला दूध बनाऊंगी। अभी पता है दूध पी रही थी ना, तो एकदम से मखाना मेरे साथ में दूध के फंस गया गले में, और इतना ज़्यादा कफिंग हुआ जिसकी वजह से ना पूरा गला एकदम छिलचा गया है अंदर से, आवाज़ भी एकदम से अजीब सी लग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे कितना हैवी नज़ला हुआ है, बट नज़ला नहीं है, अंदर से ना गला इरिटेटेड सा है, हो जाएगा ठीक। मैं सोच रही हूँ अपना गरम मसाला भी पीस के रख देती हूँ, ये ठंडा हो चुका है अच्छे से, अभी अंशुल और गोविंद थोड़ा खेल रहे हैं, उसके बाद हम थोड़ा जाते हैं शाम की वॉक करने। और मेरे पास ना ये स्पाइस एंड नट ग्राइंडर भी है, तो मैं यही वाला यूज़ करके अभी ग्राइंड करने वाली हूँ अपना गरम मसाला। ये देखो जी, खुशबूदार मेरा गरम मसाला रेडी हो गया,
और मैं भी रेडी हो गई बाहर वॉक करने जाने के लिए, बस लाइट्स ऑफ करनी थी किचन की। अभी जब तक समर्स है ना, वी डोंट मिस इवन अ सिंगल चांस टू कम आउट। मैं सुबह तो वॉक करके जाती हूँ, वो बी है, बी थी, मैं सुबह तो वॉक करके जाती हूँ बट शाम को भी आ जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है शाम को, अंशुल लोग सब ट्रेल पे चलते हैं ना, तो मैं भी इन लोगों के साथ पूरा ऐसे अंदर जंगल लगाती हूँ जाऊँ। ट्रेल पे अपना ही मज़ा आता है, लेकिन पता है वॉक करने का, पानी का देखते हुए, वुड्स के अंदर से निकलते हुए। मैंने ना आजकल अपने स्किन केयर रूटीन में दो नई चीज़ें ऐड की हैं। एक तो ये ओले रीजेनरिस्ट रेटिनॉल 24 क्रीम, ये नाइट क्रीम है। एक्चुअली नाइट क्रीम में बोलते हैं कि रेटिनॉल होना चाहिए बिकॉज इट हेल्प्स इन रिपेयरिंग योर स्किन। और एक ये मैंने रोलर आपको पहले भी दिखाया था, ये भी नया ऐड किया है आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ। मुझे ये रोलर अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि स्किन ना और थोड़ी सी ग्लोई लगती है। अभी मैं ऐसे बोल नहीं सकती क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत मेजर डिफरेंस हो गया बिफोर आफ्टर टाइप्स, ऐसा नहीं हुआ है। बट स्टिल मुझे लगता है यार, जब आप 30 के हो जाते हो ना, 30 प्लस एज में जाना स्टार्ट करते हो, तो आपको थोड़ा सा अपना स्किन केयर करना चाहिए, ये रेटिनॉल वगैरह यूज़ करना चाहिए जिससे कि स्किन फर्म रहे, क्योंकि बहुत जल्दी रिंकल्स आ जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, पता है यहाँ पे झुर्रियाँ कब बनना स्टार्ट हो जाती हैं। और फिर रैंडमली एक दिन हम मिरर में देखेंगे और लगेगा अरे यार बूढ़े हो गए। खैर एजिंग इज अ प्रोसेस, वो तो हो गई होगा, बट इट्स ओके कि अगर हम थोड़ा डिले करें। तो ये मैंने एक ऐड किया है, कॉस्को से लेकर आई थी मैं ये, और ये भी मुझे अच्छा लग रहा है। एक्चुअली कुछ स्किन पे करे ना करे, बट ऐसे ऐसे करने में बड़ा मजा आता है स्किन पे। बाकी आप लोग बताओगे आपको मेरी स्किन पे कोई डिफरेंस फील हुआ या नहीं। मैं ये रोलर ऑलमोस्ट 25 डेज या 30 डेज से यूज कर रही हूँ, मुझे करने में बड़ा मजा आता है। और ये देखो गोविंद खेल रहा है अपने ड्रिल टॉय से। अभी बस मैं भी इसके साथ बैठ के थोड़ी सी मस्ती करूँगी, फैमिली टाइम इन्जॉय करूँगी। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, बहुत सारे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बनो। बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे कि अपडेट्स मिलते रहे फ्यूचर वीडियोज़ के, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो सारे रेगुलर अपडेट्स के लिए। और बस दोस्तों यही ध्यान रखो, ये लाइफ है, जैसे पानी बहता चला जाता है ना, वैसे ये लाइफ चलती चली जाती है, पता भी नहीं चलता कि कैसे 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 कितने साल निकल जाते हैं। और बस हंसते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि हंसते हंसते कट जाते हैं ये सारे रास्ते। बाय बाय।